चाय पीते। कैसा है यहाँ का चाय? बहुत अच्छा है। अच्छा, उसके साथ कि एक चाय वाला देश चला रहा है और एक चाय वाला आज बोलूंगा वो भी अहमदाबादी है, चाय वाला वो अहमदाबाद चला रहा है। चाय में आप क्या खास डालते हैं सर? एक हमारी सीक्रेट मसाला है जो हम चाय में डालते हैं। फाइनली हमने यहाँ से बॉक्सर ले लिया है, बॉक्सर जो हमने आपको बताया आगे बॉक्सर लेने वाले। क्या बॉक्सर में लिया देखिए, एक तो दो ये गंजी लिए जो भैया पैक कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ भाई बहुत अलग, और इसमें सेल्फीज भी है सामने की तरफ भी है, आगे भी स्किन दिया है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वक्त हम लोग आ चुके हैं राजस्थान, नहीं इस बार राजस्थान नहीं, हर बार राजस्थान थोड़ी जाऊंगा यार, इस बार मैं आ जाऊँ गुजरात के अहमदाबाद शहर के अंदर। और इसमें हम आ चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे नुक्कड़, यहाँ पे आए थे। एक्चुअली यहाँ की चाय काफ़ी अच्छी है जो हमने एक बार तो पी ली है। लोग तो दारू का दूसरा पैक लगाते हैं, हम चाय का दूसरा पैक लगाने की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ की चाय काफ़ी अच्छी है। और आप देख लेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी आते हैं, गर्ल्स भी आते हैं, बॉयज़ भी आते हैं, आजकल के ज़माने के बच्चा पार्टीज वगैरह आते हैं। तो चाय अच्छी है, लेकिन मेरे साथ में एक सेलिब्रिटी है जो निर्णय नगर के सेलिब्रिटी है। आप देखिए स्माइल आ गई इनके चेहरे पे। तो निर्णय नगर के अंदर इनका गोल्ड का काफ़ी अच्छा काम काज है, गोल्ड के अंदर ये मार्केट के भी किंग है। कौन से मार्केट के हैं वो सर खुद बताएंगे, आपसे जानते हैं। हाय सर। हेलो। तो सर कौन से मार्केट के किंग हो आप? मैं जड़धर लाइन का किंग। जी जी बिल्कुल। कैसा है कामकाज वगैरह अभी? कामकाज तो अभी ठीक है, बिल्कुल स्लो मोशन में है। स्लो मोशन में, वो आप सल्लू पाजी का सॉन्ग नहीं है स्लो मोशन में? तो कभी कभी स्लो मोशन के बाद में एक ओवरफ्लो आ जाता है, जो जैसे दिवाली आ रही है वैसे भी स्लो मोशन कब आई हो जाए पता नहीं। और ज़िंदगी के अंदर कौन सा पल कब आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाते बोल नहीं सकते। कल आपने लास्ट वीडियो देखा था वहाँ पे बनारस में, फिर अंबाजी में, बाड़मेर में, और आज अहमदाबाद में, और कल और तैयारी चल रही है दुबई का, दिवाली दुबई आ रहा है। रशिया थोड़ा पोस्टपोन किया है क्योंकि रशिया के अंदर 3 वैक्सीन बता रहे हैं जो जरूरी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इतनी वैक्सीन नहीं लगाऊँ, और दुबई का टूर मेरे साथ में लगभग ये भी रहेंगे साथ में। कैसा दुबई टूर रेडी है ना? तो दुबई टूर में ये भी रहेंगे साथ में, इनके साथ में ब्लॉग काफ़ी अच्छे आने वाले, काफ़ी अच्छे इंसान हैं, उनका नेचर काफ़ी अच्छा है। हालांकि इनकी बीवी एक है वो एक बात अलग है, और बच्चे भी तो बीवी तो सबकी एक होती है, हालांकि मेरी दो होगी वो बात अलग है। बट यू नो आई थिंक जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। देखो मेरा डायलॉग डिलीवरी भी इनको हंसी आगे बोला है ना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। अभी ब्लॉग काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि आज हम काफ़ी जगह जाने वाले हैं, आज काफ़ी लोगों से मैं मिलने वाला हूँ। तो मिलते हैं कंटिन्यू। तो ये है यहाँ का गुल्ली नुक्कड़, दोस्ती यारी दुनियादारी बोला। और यहाँ पे एक भाई मिले हमारे को जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इन्होंने मुझे अहमदाबाद के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी कि आप अहमदाबाद आए तो अहमदाबाद में ये जगह घूमने लायक है। और हम कोशिश करेंगे अहमदाबाद के अंदर जो इन्होंने भैया ने जो बताया वो डेस्टिनेशन हम घूमने जाएंगे, मानिक चौक जाएंगे। और वहाँ पे भी बोलते हैं नाइट में खास करके वहाँ पे फूड मार्केट होता है, तो हम वहाँ का भी व्लॉग बनाएंगे। और अभी हमने यहाँ की चाय पी जो भैया से जानेंगे चाय में वो ऐसा क्या डालते हैं वो आगे हम जानेंगे भैया से। फाइनली यहाँ की गुल्ली नुक्कड़ चाय हमने पी जो कि आपको यहाँ पे कैटलॉग में नज़र आ रहा होगा, काफ़ी अच्छी थी यहाँ की चाय। यहाँ के जो ओनर है उनसे जानते हैं कि वो चाय में ऐसा क्या डालते हैं। सर सबसे पहले तो वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल जेके मथुरिया ब्लॉग पे। व्हाट्स योर नेम? शिवम जी, ये स्टॉल की शुरुआत कितना टाइम पहले की आपने? करीबन 7 महीने पहले। 7 महीने पहले, तो कैसी चाय में काफ़ी, जैसे हमने कुल्लड़ चाय पी यहाँ की, तो आप चाय में ऐसा क्या खास डालते हैं कि चाय के दीवाने? मैंने देखा काफ़ी सारी भीड़ थी यहाँ पे अभी, और अभी भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे चाय वगैरह पीने के लिए आए हैं। तो चाय में आप क्या खास डालते हैं सर? एक हमारी सीक्रेट मसाला है जो हम चाय में डालते हैं, जिससे चाय का टेस्ट भी अच्छा था, और प्लस हमारे लोग हैं जो अच्छे से चाय बनाते हैं, ये हमारे टी सेफ है बाजू में खड़े। अच्छा, टी मैन, मतलब एक दोस्तों मेरा एक फेमस डायलॉग जो आपने पहले सुना होगा, चाहे वो राजस्थान का उदयपुर हो या फिर यूपी का बनारस, में गया था वहाँ पर मैंने चाय पी थी, कि एक चाय वाला देश चला रहा है और एक चाय वाला आज बोलूँगा वो भी अहमदाबादी है, चाय वाला वो अहमदाबाद चला रहा है, अहमदाबाद का आसम रोड चला रहा है, बरोबर। ये है यहाँ पे ती बनाते हैं, इनसे जानते हैं। भैया क्या नाम आपका? नितिन पटेल। नाम तो सुने होगा, नहीं सुना तो इस वीडियो में आपने सुन लिया। तो आप चाय में ऐसा क्या खास बोलते हो कि चाय की दीवान की इस कदर गुजर चुके लोग दूर दूर से, कॉलेज के स्टूडेंट हमने देखा आगे चाय पीने आ रहे, बहुत तारीफ कर रहे थे चाय की, तो क्या डालते हैं ऐसा चाय में? सर यहाँ का फेवरेट मसाला है और भी सारी चीज़ें। अच्छा, जो सीक्रेट है उसमें से एक आधी कुछ खास वेरायटी, खास एक ज़्यादा नहीं बताना, वरना लोग घर पर ही बनाना शुरू कर लेंगे, फिर अपना सीक्रेट नहीं रहेगा। एक चीज़ बता दीजिए खाली। गले नुक्कड़ स्पेशल जी, गले नुक्कड़ स्पेशल। अच्छा, गले नुक्कड़ इलायची। तो दोस्तों इलायची बता दिया, बाकी सारा नहीं बताएंगे क्योंकि सारा सीक्रेट बता दिया तो आप लोग घर पे बनाने लग जाएंगे। और कुछ लोग आए, आप फर्स्ट टाइम आए हो या पहले कभी आए हो? नहीं, कस्टमर, रेगुलर कस्टमर। क्या पीते हो आप यहाँ पे? कॉफी पीते हो मैडम? आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम, इससे पहले कभी आए हो? रेगुलर कस्टमर। ओह माय गॉड, रेगुलर आते हो आप। क्या पीते हो? रेगुलर आते हो? हम यहाँ चाय पीते हैं। चाय पीते? कैसा है यहाँ का चाय? बहुत अच्छा है। अच्छा, उसके साथ में यहाँ पे नाश्ता वगैरह भी है। आप कहाँ से आते हो?
चांदखेड़ा। ओह माय गॉड दोस्तों, चांदखेड़ा की बात करें तो यहाँ से काफ़ी दूर है वैसे ना? हाँ, समथिंग यहाँ से कितना, 5-7 किलोमीटर? 7 किलोमीटर। तो चांदखेड़ा से चाय पीने आते हो? हाँ, ऐसा क्या खास है यहाँ की चाय में? कुल्लड़ में चाय आती है, मसाले वाली। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो चाय आती है कुल्लड़ में, और वो भी मसाले वाली दोस्तों। और मेरा डायलॉग आपको एक बार और दूसरा वाला, जो मैं चाय के लिए अपनी जान दे सकता हूँ तो किसी की जान ले भी सकता हूँ अगर चाय अच्छी ना हो तो, बट अच्छी है तो जान लेने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ और लोग हैं, इनसे जानते थे कि यहाँ पे ये फोटोग्राफर्स हैं। इन्होंने भैया ने अभी बताया, पहले थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई, जो यहाँ पे कुछ बता रहे हैं फोटोग्राफी, उससे पहले जानेंगे। सर वेलकम, आप यहाँ पे आप क्या करने आए हो? मैं यहाँ पे हर रोज चाय भी यहीं पे पीता हूँ और डिनर भी यहीं पे करता हूँ। अच्छा, डिनर भी यहाँ करते हो? हर रोज का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे हैं यहाँ के चाय और डिनर? एक नंबर। मैं हर रोज आता हूँ, मतलब कि कुछ तो होगा यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप यहाँ पे क्या करने आए हो? मैं तो पहली बार आया हूँ। अच्छा, आप पहली बार आए हो, तो उम्मीद है कि आपको इनके साथ में डिनर और चाय वाला है ना। और आज मैं जेके मथुरा यहाँ वीडियो शूट कर रहा था, मेरी तरफ से मतलब बोलता हूँ, आप लोग कोई भी आए अगर बोलेंगे जेके मथुरा का वीडियो देखा है तो आपको यहाँ पे ज़्यादा पड़ के चाय में तो ज़्यादा कमाना होता नहीं है, बट 0.1% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सर अपना एड्रेस क्या पड़ेगा कोई अगर वीडियो देख के आना चाहे? जी ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट शॉप, नीलकंठ एवेन्यू 2, नवजीवन प्रेस रोड, इनकम टैक्स। तो जैसा कि सर ने बताया, और नाम क्या पड़ता है? गली नुक्कड़ बोलते हैं ना, गली मोहल्ले में नुक्कड़ पे जो टी स्टॉल होती है। बट यू नो आई थिंक यहाँ का डेकोरेशन काफ़ी अमेजिंग, मैं एक बार आपको वो भी बता देता हूँ। इन्होंने डेकोरेशन भी काफ़ी सुंदर किया, ये लालटेन हमारे ज़माने में बोलते हैं लोग स्टिल केरोसिन से चलाते थे, तो अगर लाइट चली जाती है तो आपको यहाँ पे बिना लाइट के भी आप केरोसिन वाली लालटेन के साथ में आप चाय पी सकते हैं। गली नुक्कड़, ये लारी वगैरह, तो डेकोरेशन वहाँ काफ़ी अमेजिंग, बहुत प्यारा है। ये अंकल जी भी यहाँ पे चाय पीने हैं। अंकल जी आप चाय पीने पहली बार आए हो? कभी आए हो पहले? कितने बार आया हूँ। कैसा है यहाँ का चाय? अरे बहुत बढ़िया है चाय, इसलिए तो हमने चालू किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अंकल जी भी यहाँ पे चाय पीने हैं। चलो, लॉकडाउन हुआ ना, चाय की कितनी हुई ना, सबसे चाय अच्छी आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो इनको सुन के मुझे मोदी जी की याद आ गई। बट यू नो आई थिंक मोदी जी अगर ये वीडियो देख रहे थे कि आपके शहर अहमदाबाद में चाय की दीवान की किस कदर हद से मतलब गुजर चुकी है, लोग यहाँ पे चाय के लिए दीवान की देखिए। तो फाइनली चाय पी के अभी लोग आ चुके हैं, अभी यहाँ पे हम बॉक्सर के लिए रुके हैं, अभी हमारे को लेना है यहाँ से बॉक्सर। और मैं हूँ, मेरे साथ में शर्मा जी है, जो शर्माते बहुत है, हालांकि वो एक बात अलग है, अब किस बात पे शर्माते वो तो उनसे जानना पड़ेगा। बट हम यहाँ पे कौन सा बॉक्सर लेने वाले वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। और ये अहमदाबाद का बहुत ही प्राइम लोकेशन है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरी ये जो माहौल यहाँ पे था तो हमने सोचा एक ब्रेक ले लेते हैं। तो हम बढ़ते आगे की ओर। बॉक्सर के लिए कहाँ जाना है अपने को? जलाराम फरसान ने बाजू में, जलाराम फरसान कहाँ शायद यहाँ पे आएगा। आगे तो जलाराम फरसान साइड से यहाँ पे आएगा। अच्छा नाश्ता किलो आते हैं। फाइनली हमने यहाँ से बॉक्सर ले लिया है, बॉक्सर जो हमने आपको बताया आगे बॉक्सर लेने वाले। क्या बॉक्सर में लिया देखिए, एक तो दो ये गंजी लिए जो भैया पैक कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। और ये दुकान आपको कहाँ पे पड़ेगी? और यहाँ पे आपको कपड़े के अंदर बहुत ही अच्छी वेरायटी, इनका ऑनलाइन भी है। किस पे ऑनलाइन है अपना? फेसबुक पे। अच्छा, फेसबुक पे इनका ऑनलाइन भी है, ओएलएक्स पे, और ओएलएक्स पे भी ऑनलाइन है इनका। और ये मैं आपको परफेक्ट लोकेशन बता देता हूँ यहाँ पे रेट का भी। ये जो गंजी है ये वैसे इसके MRP जो है 150 रुपये है, यहाँ पे आपको ओनली पर 90 रुपये में मिलेगी होलसेल भाव में एकदम। आप यहाँ पे एक पीस भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको 6 पीस 12 पीस लेने हैं। यहाँ का परफेक्ट लोकेशन क्या पड़ेगा भैया? सरदार पटेल बावला, जलाराम फरसान की बाजू में, नारनपुरा। और एक भैया और यहाँ पे बैठते हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जिग्नेश भाई। जिग्नेश भाई आ दुकान कई जगह पर से लोग अपना गुजराती जे लोग जो रहा है वीडियो, ये वीडियो जो ना अहियाँ आवा मांगे छे, तो एड्रेस शू पर से अहियाँ नो? नारनपुरा सरदार पटेल 4 रस्ता। बिल्कुल। और आप वीडियो देख के आओगे बोले कि जेके मथुरा का वीडियो देखा था, तो मेरी तरफ से आपको 2% ज़्यादा नहीं, क्योंकि पहले से यहाँ पे रेट एकदम रिजनेबल है, मार्जिन वाला कुछ रखा ही नहीं है। लेकिन आप बोलो कि जेके मथुरा का वीडियो देखा था तो आपको 2% डिस्काउंट और मिलेंगे। हमने यहाँ पे बॉक्सर लिए हैं, दो ये गंजी है, कुछ ये बॉक्सर्स है जो कि हम घर जाके पहनेंगे। साइज में छोटा बड़ा होगा तो यहाँ पे चेंज भी करें, बट मेला है या फिर उसमें ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं। तो फाइनली अभी मैं बॉक्सर लेके आ चुका हूँ, और आज मैं एक बाबूजी से मिला हूँ। बाबूजी बोले तो हमारे ज़माने के जब हम लोग अंबाजी थे, आपने देखा होगा लास्ट ब्लॉग अंबाजी वाला, अंबाजी में हम धन्नों पे गए थे। बट यू नो आई थिंक आज से काफ़ी साल पहले बाबूजी और हम पैदल यात्रा में जाते थे, जो मैंने आपको बताया हिम्मत नगर है, हरसिद्धि माता मंदिर है, तो बाबूजी और साथ में रहते थे। तो बाबूजी से आज काफ़ी वर्षों बाद समथिंग 3 साल बाद लॉकडाउन के बाद आज मिलना हुआ उनसे। और एक बात खास और बताना चाहूँगा दोस्तों आपको, बाबूजी जी है इस उम्र में भी काफ़ी कड़ी मेहनत करते हैं। तो आइए जानते हैं बाबूजी से। बाबूजी आप क्या बना रहे हो अभी? बनाते रहते हैं कुछ नहीं। अच्छा, तो ये देखिए मतलब इनसे सीखने जैसा है दोस्तों, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे ज़माने की जो है बच्चा पार्टीज वगैरह गेम खेलते हैं पबजी वगैरह, तो लेकिन सीखिए मतलब तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, अमिताभ बच्चन सर भी कहते हैं। और बाबूजी से मैं जब भी मैंने आज तक इनको देखा है, बाबूजी जैम्बे
जय। तो ये जो आप देख रहे हो बाबूजी, मतलब तो हम लोग अंबाजी पैदल यात्रा में साथ में जाते थे। काफ़ी सारी हमारी पुरानी यादें हैं जो शायद मेरे पास वो वीडियो लैपटॉप पड़े, मैं आपको वीडियो निकालूंगा, मिलेंगे तो वो भी आपको साथ में शेयर करूंगा। तो बाबूजी से जानते हैं, बाबूजी अभी जो ज़माना चल रहा है वो अच्छा है या पहले का ज़माना अच्छा था? पहले का था जमाना, तो क्या ज़माना है। बिल्कुल बिल्कुल, बरसात टाइम से बरसात होती थी, टाइम से शादी ब्याह हो जाता था। बिल्कुल सब है ना जी जी, पुराने ज़माने में बच्चा अच्छा था। बिल्कुल, एक बात खास बाबूजी ने बताई कि पुराना ज़माना काफ़ी अच्छा था। अभी जैसे आप देख रहे हो, अभी नवरात्रि आ रही है, दिवाली आ रही है, तो बारिश अभी चल रही है, जब सावन भादे महीने में जो बारिश आनी चाहिए थी वो आई नहीं, अभी बारिश आ रही है। तो कलयुग के दोस्तों, कहीं ना कहीं कलयुग का असर है, तो कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा जीवन में, कहते हैं ना। तो ये सब कलयुग के अंदर जो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ी है उसका असर तो देखने को मिल रहा है, इसलिए प्रकृति को बचाए। तो इस वीडियो के माध्यम से बाबूजी ने काफ़ी अच्छा मैसेज भी दिया कि भी पुराना ज़माना काफ़ी अच्छा लगा था, और मैं भी तरसता हूँ कई बार कि मैं भी पुराने ज़माने में आके मतलब सब वो देखा होता था। और देखिए बाबूजी फिर से मेहनत में लग रहे हैं, इंटरव्यू की बात में देखिए, ये मेरे को इनकी अच्छी बात लगती है कि इस उम्र में भी लगातार मेहनत करते हैं। तो एक आपको भी मैसेज है कि आप लोग भी अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि कुछ इस तरह से कर्म जो है, और मुझे नहीं लगता आजकल के जो लोग हैं वो ये सब कर पाएंगे, क्योंकि वो खाती है एकदम मतलब जो नकली जो आइटम है जो आजकल के मिलावटी। सो फाइनली गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ आसम रोड पे, यहाँ पे हमारे मित्र हैं उनके ऑफिस पे आ चुका हूँ, और आज का व्लॉग मैं यहीं पे पूरा करता हूँ। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको काफ़ी पसंद आया होगा। चाय की केटली जो गली नुक्कड़ थी वो आपको कैसे लगी, और साथ में कपड़े की जो शॉपिंग की दुकान थी वो आपको कैसे लगी, मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और ये मेरा जो नया लुक्स है, नई कैप है जो मेरी, वो आपको कैसे लगी ये भी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।